नमस्कार गुरुकुल लाइव व्याख्यान श्रृंखला इसमें आपका पुनः अभिनंदन है अभिवादन है एक महत्वपूर्ण दिवस महत्वपूर्ण विषय इस पर आज हम चर्चा करेंगे 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस या विश्व कविता दिवस के रूप में पूरी दुनिया में पूरे संसार में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है हम जानते हैं कि भाषा का वरदान है कविता और अपने मनोभावों को अपनी वैचारिक संपदा को अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का इससे सहज और सरल कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं देता यो गद्य भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और अनेक विधाएं गद्य की कथात्मक या नाट्यात्मक संस्मरणात्मक रेखाचित्रात्मक ऐसी बहुत सारी विधाएं हमें गद्य में भी मिलती हैं किंतु पूरा काव्यशास्त्र चाहे वह भारतीय काव्यशास्त्र हो या पाश्चात्य काव्यशास्त्र वह जब साहित्य की बात करता है तो सर्वप्रथम कविता की बात करता है और यह तो कहा ही जाता है कि ईश्वर से बड़ा कवि तो कोई दूसरा है ही नहीं क्योंकि उस परमात्मा की सबसे सुंदर कविता यह सृष्टि है संवेदना के धरातल पर जब उस ईश्वर ने अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की परिकल्पना की होगी तो इस सृष्टि का सृजन हो सका हो, होगा नदियों की कलकल ध्वनिया -कल झरनों का कर्णप्रिय प्रिय स्वर और शोर पशु पक्षियों की चहचहाहट, पर्वतों का बिखरा हुआ सौंदर्य और न जाने ऐसे कितने प्राकृतिक सौंदर्य के उपादान और इस कविता के नायक और नायिका मनुष्य पुरुष और स्त्री इस कविता के सुंदर पुष्प दुनिया भर के बच्चे ऐसी परिकल्पना वास्तव में एक अद्भुत कविता के रूप में हमारे समक्ष आती है यूं तो कविता की कोई एक निश्चित परिभाषा देना यह संभव तो नहीं है जैसे भाषा की कोई निश्चित अंतिम परिभाषा नहीं दी जा सकती उसी तरह कविता को भी किसी परिभाषा में शाब्दिक आवरण में बांधना कठिन है लेकिन यह तो कह ही सकते हैं कि कविता कवि की आत्मा द्वारा अनुभूत भावों और विचारों का एक सशक्त प्रस्फुटन है कविता छंद और लय की गति से बंधी होती है इसीलिए उसमें एक आंतरिक अनविति होती है उसमें एक बाह्य तुक विधान होता है और लय को यह सब कुछ समाविष्ट करते हुए गतिमान प्रवाहमान होता चलता है यह भी कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और ये बात सत्य है कवि तो उस कोने कोने को झांक लेता है जहां सूर्य का आलोक भी नहीं पहुंच पाता कवि के पास एक ईश्वर प्रदत्त विलक्षण दृष्टि होती है अंतर दृष्टि होती है वह उस सुदीर्घ जीवन अनुभव से उस दृष्टि को जोड़कर अतीत वर्तमान और भविष्य की परिकल्पना करते हुए उसकी विवेचना करते हुए अपने मंतव्य को अपने पाठकों तक पहुंचाता है कवि को प्रजापति भी कहा जाता है क्योंकि वह सृजन करता है क्योंकि वह निर्माण करता है जैसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया ऐसे ही कवि भी कविता के माध्यम से एक सृष्टि की रचना करता है इसी सब बातों और बिंदुओं को केंद्र में रखकर इस पूरी दुनिया में पूरे विश्व में कविता की महत्ता को उसकी प्रासंगिकता को याद करते हुए वैश्विक कविता या काव्य दिवस इसके आयोजन की आवश्यकता दिखाई देती है हम जिस दुनिया में हैं, जिस संसार में हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं वह है बाजार की संस्कृति का युग है वह लोहे और पत्थर के कंक्रीट के जंगलों से निर्मित महानगरीय समाज का युग है जहां पत्थरों के पास धड़कता हुआ हृदय नहीं होता लोहे के पास संवेदनात्मक अनुभूतियां नहीं होती भागम भाग की इस दुनिया में धनार्जन की इस दुनिया में संवेदना के प्रति जो एक संवेदनात्मक धरातल है वह विलुप्त होता प्रतीत होता है इसलिए कहा यह भी गया कि कविता मर गई है यानी इस आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग में कविता का जो उद्देश्य था कविता का जो मंतव्य था जो लक्ष्य था वह उससे विचलित हो गई है कविता की पठनीयता घट गई है कविता लेखन के प्रति वह जो साधना का भाव है वह विलुप्त हो गया है एक अंत प्रेरणा कविता की घटना विशेष दृश्य विशेष स्थिति विशेष व्यक्ति विशेष आदि को देखकर निराला ने अपनी पुत्री सरोज की जो दुर्दशा देखी विवाह उपरांत और उस दुर्दशा से विकल और विचलित होकर उन्होंने सरोज स्मृति नाम की एक कविता लिखी और फिर उस व्यवस्था पर प्रहार किया जिस व्यवस्था का शिकार उनकी पुत्री हो गई कभी कवि को स्वतंत्र चेतना राष्ट्रीय चेतना कविता के लिए प्रेरित करती है महाकवि प्रसाद कभी तो कहते हैं हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती और कभी अपने उस सुखद संयोग प्रेम क्षणों का स्मरण करके वे उन अनुभूतियों को पुनर्जीवित करते हैं पुनर्स्मरण करते हैं वो कुछ दिन कितने सुंदर थे सावन घन सघन बरसते थे ऐसे अनेक उदाहरण महादेवी वर्मा इस संकल्प के दिए को दीपक को जलाए रखना चाहती हैं दीप मेरे जल अकंपित पंत कोमल कांत पदावली के सृजक माने जाते हैं पल्लव जैसी विलक्षण विश्व स्तरीय रचना कामायनी जैसा वैश्विक स्तर का महाकाव्य आंसू जैसा अद्भुत काव्य ग्रंथ और इसी तरह चाहे हम मैथिली शरण गुप्त को याद करें और इसी तरह भारतेंदु को याद करें निराला पंत प्रसाद महादेवी को याद करें या छायावादोत्तर हिंदी कविता की बात करें ये एक पक्ष है और लगभग एक हजार वर्ष तक जो कविता हिंदी की अट्ठारह बोलियों में लिखी जाती रही उससे भी पहले संस्कृत में जो कविता लिखी गई भारतीय भाषाओं में जो कविताएं लिखी गई चाहे वो दक्षिण की चारों भाषाओं की कविताओं को देखें मराठी गुजराती इनकी कविताओं को देखें राजस्थान की कविताओं को मीरा को याद करें तो कविता की एक बड़ी दुनिया है और विश्व में न केवल अंग्रेजी में अपितु हर देश की अपनी भाषा और भाषाओं में कविताओं का जो सृजन हुआ है उससे यह तो ज्ञात होता है कि भाव और संवेदना के धरातल पर मानवता और मनुष्यता इसमें कोई भेद नहीं है भारतीय काव्य शास्त्र में कविता के संदर्भ में कविता क्या है बहुत से आचार्यों ने विचार किया है आचार्य विश्वनाथ जो रसवादी आचार्य थे आदि आचार्य भरत मुनि ने विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति जो सूत्र दिया था उसकी व्याख्या करते करते कविता क्या है कविता क्यों होती है काव्य का हेतु क्या है काव्य का प्रयोजन क्या है कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है कोई कवि कैसे बन जाता है तो जहां पर कृपा राम की हो तापर कृपा करे सब कोई कवि बनने के लिए भी एक विलक्षण अनुकंपा कृपा तो चाहिए उस ईश्वरीय कृपा से ही कवि के पास शब्द संपदा आती है शब्दों के प्रयोग की कलात्मक शक्ति प्राप्त होती है इसलिए बड़े बड़े कवियों ने मंगलाचरण में रचना के प्रारंभ में ही अपने इष्ट अपने आराध्य को याद किया और काव्य के सृजन से पहले यह विनती की यह प्रार्थना की अपने आराध्य अपने इष्ट से कि प्रभु आद्योपांत यह रचना निर्विघ्न संपन्न हो इसके मार्ग में कोई अवरोध ना आए दिव्य चरित्र महान व्यक्तित्व ऐसे चरित्रों को शब्दों में कविता में बांधना कोई सरल सहज कार्य नहीं है इसीलिए तो सबने मंगलाचरण के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय जान की झाई परे श्याम हरिद्युति होए राधा के माध्यम से अपने इष्ट अपने आराध्य कृष्ण को कवि याद करते हैं अपनी अपनी विनती अपना अनुरोध वहां पहुंचाते हैं तो आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषाएं उनसे पहले दी गई थी शब्दार्थों सहितों काव्यम रमणीयार्थों प्रतिपाद काव्यम उसको और अधिक व्याख्यात्मक और सार्थक बनाते हुए कहा रसात्मक वाक्य वाक्यम काव्यम वह जो रस युक्त वाक्य है वही कविता का अधिकारी है और जिसमें रस की अनुभूति नहीं होती वह कविता का हिस्सा नहीं बन पाता इसलिए कविता में सरसता अनिवार्यता है आचार्य रुद्र ने भी आचार्य भामा की तरह शब्द और अर्थ के समन्वय को कविता माना इसलिए कहा भी क्या ननु शब्दार्थों का व्यय रीतिवादी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने तो रीति आत्मा काव्य से कह दिया और ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य से आत्मा ध्वनि रीति ऐसा कहकर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्वनियालोक में शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर बताया और ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया कुल मिलाकर चाहे ध्वनिवादी अलंकारवादी रसवादी आचार्यों की बात करें आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के संस्थापक थे उन्होंने वक्रोक्ति को कविता के साथ जोड़ दिया कविता की आत्मा के रूप में इन सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र उन्होंने तो कहा अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो सहित अलंकार सहित शब्द और अर्थ का समूह ही कविता होता है अब ये उस कविता के बारे में हम विचार कर रहे हैं जिस को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया में पूरे विश्व में काव्य के स्मरण करते हुए काव्य का स्मरण करते हुए कवियों को नमन करते हुए कविता दिवस 21 मार्च को आयोजित किया जाता है हम अनुमान लगा सकते हैं कि कविता की जो शक्ति है यह वही शक्ति है जो मां की लोरी में अनुभव की जाती है जो मां की थपकी में अनुभव की जाती है क्योंकि कविता में वह ताकत है कि वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है वह स्वास्थ्य लाभ के लिए भी सहायक होती है वह यश और कीर्ति की दायक भी होती है और वह अवसाद के दिनों में अवसाद मुक्ति का कारण भी बनती है और पाश्चात्य चिंतन में तो यह भी कहा गया कि वह विरेचन का कारण भी बनती है जो कुंठाएं हैं जो मनोमस्तिष्क के अंदर अवसाद के कारण हैं, उनसे मुक्ति का कारक कारक भी कविता बनती है अनलंकृत शब्द आचार्य मम्मट ने प्रयोग किया था हेमचंद ने उसके स्थान पर सालंकारों शब्द का प्रयोग करके उस कमी को पूरा किया आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्य जब कहा तो वह रसात्मक वाक्य को ही कविता की आत्मा मानते हैं और इस दृष्टि से आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा का सर्वाधिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है पंडित राज जगन्नाथ ने तो रमणीयार्थो प्रतिपादक का शब्द काव्यम कहा यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले जो शब्द होते हैं वही कविता कहलाने के अधिकारी होते हैं इस तरह काव्य को लोकोत्तर चमत्कार पैदा करने वाला यह भी माना गया और हिंदी के मध्यकालीन काव्य के प्रवर्तक विशेष रूप से रीतिकालीन कविता के प्रवर्तक आचार्य केशव दास जो कवि शिक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने कविता कैसे लिखी जाती है कविता के अंग क्या हैं, उपांग क्या है काव्य सृजन की तकनीक और प्रक्रिया क्या है इन सबकी शिक्षा शिक्षा न केवल आश्रयदाता राजा को दी राजा की प्रेयसी प्रवीण राय को भी दी ओरछा नरेश के दरबार में केशव आश्रित कवि थे उनके पिता उनके दादा भी उसी राजवंश में आश्रित थे तो ओरछा नरेश नरेश की एक प्रेयसी थी प्रवीण राय नर्तकी थी राजा ने केशव से शासक ने केशव से कहा कि प्रवीण राय को भी कविता लिखनी सिखाओ परिणाम तय केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे दो दुर्लभ ग्रंथ जो काव्यशास्त्र के प्रणेता ग्रंथ माने जाते हैं हिंदी में उनका सृजन किया और केशव ने तो लिखा यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुबृत भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मित्र हे मित्त कविता में भले ही सब गुणों सुजाति हो सुलक्षणी हो सुवर्ण हो सरस हो सुबृत हो लेकिन यदि आभूषण रहित अलंकार विहीन कविता है तो सभ्य समाज में उसका अभिनंदन नहीं हो सकता तो उन्होंने आलंकारिकता के महत्व को रेखांकित किया उस पर बल दिया रस छंद शब्द सौंदर्य इन सब के साथ साथ अलंकारों की अनिवार्यता पर बल दिया इसलिए केशव दास का जो काव्य लक्षण है वो संस्कृत ग्रंथों में जो लक्षण वर्णित है उन पर आधारित है लेकिन केशव ने उसमें कुछ अपनी मौलिकता भी जोड़ी है रीतिकाल संस्कृत काव्य शास्त्र की तरह भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक हम देखें मौलिक उद्भावक या व्याख्याता आचार्य उन सब ने कविता क्या है काव्य का लक्षण क्या है उस पर विचार किया है और हिंदी में भी हिंदी कविता में भी कवियों ने आलोचकों ने इतिहासविदों ने शास्त्रीय आचार्य कर्म के ज्ञाताओं ने कविता के लक्षण स्वरूप प्रयोजन हेतु इन सब पर विचार किया है आचार्य चिंतामणि कुलपति कुलपति मिश्र देव श्रीपति ऐसे बहुत से सोमनाथ बहुत से आचार्य कवि हैं जो संस्कृत के काव्य लक्षणों का अनुसरण करते हुए अनुपालन करते हुए उनसे प्रेरित होते हुए काव्य लक्षणों को प्रस्तुत करते हैं श्रीपति ने तो यह भी कहा यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण चिंतामणि उससे भी आगे बढ़ जाते हैं सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हो शब्द अर्थ बारों कवित विबुद कहत सब कोई हम देख सकते हैं कि कविता में गुण होने चाहिए निर्दोष होनी चाहिए निष्पाप होनी चाहिए संवेदना के धरातल पर सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में उपस्थित होनी चाहिए सूरति मिश्र तो यहां तक कहते हैं वर्णन रंजन जहां रति अलौकिक हो निपुण कर्म कवि जो जो तिही काव्य कहत सब कोई कविता में लोकहित जनहित समाज हित राष्ट्र हित यह होना चाहिए कविता केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है आचार्य हमारे राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त कहते ही है केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ऐसे अनेक प्रसंग हमें कविता क्या है कविता क्यों होती है कविता का शरीर क्या है काव्य की आत्मा क्या है शब्द और अर्थ को शरीर बताया तो ध्वनियात्मकता के साथ रस का संबलित रूप उसको आत्मा भी बताया कभी देव जो भाव विलास और रस विलास जैसी दुर्लभ काव्य रचनाएं हमें देते हैं ब्रजभाषा के अद्भुत कवि माने जाते हैं शब्द जीव ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर और आचार्य सोमनाथ जिन्होंने पीयूष निधि जैसा दुर्लभ काव्यशास्त्रीय ग्रंथ दिया उन्होंने तो लिखा सगुण पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध भिखारीदास आचार्य भिखारीदास जिनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य निर्णय है जो कवि और कविता क्या होता है तो कविता की बात करते हैं तो वो तुलसी को याद करते हैं सूर को याद करते हैं गंग को याद करते हैं कि कवि हो तो ऐसा हो और कविता हो तो तुलसी सूर जैसी कबीर इनके जैसी हो रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल और गुण स्वरूप हो रंग दूषण करे करूपता तो जो कुरूपता है वो सब दूर हो दूषण दूर हो रस जो है वो कविता का आत्मिक अंग हो और अलंकार उसके आभूषण हो और गुण उसके बाह्य रूप का निर्धारण करें इस तरह की परिकल्पना कवियों ने की है आधुनिक युग में भी चिंतकों ने कवियों ने समालोचकों ने भाषाविदों ने कविता के लक्षणों पर काव्य के स्वरूप पर चिंतन किया है और बहुत से पाश्चात्य काव्य चिंतकों ने भी जो साहित्य आलोचन के माध्यम से इस तरह के मतों को व्यक्त किया उनकी दृष्टि में काव्य क्या है काव्य क्यों होना चाहिए कविता की प्रासंगिकता कविता की उपादेयता कविता की सामाजिक सांस्कृतिक सार्थकता इस पर भी विचार किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी तो खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता माने जाते सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने आधुनिक युग में वो जो पारंपरिक काव्य भाषाएं हैं ब्रजभाषा अवधि भाषा भोजपुरी मैथिली आदि इनके परिसीमन से बाहर निकलकर खड़ी बोली को आत्मसात करने अपनाने और उसमें कविता लिखने का आह्वान किया था उनका मानना था कि विश्व की तमाम चिंताओं को समकालीन समस्याओं को वैश्विक चुनौतियों को अगर कोई भाषा आत्मसात कर सकती है अभिव्यक्त कर सकती है तो वह खड़ी बोली है और उसे बोली के दायरे से निकाल कर भाषा के दायरे में लाना होगा और गद्य और पद्य के माध्यम से हम वैश्विक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को भारतवासियों तक यदि खड़ी बोली मौलिक रूप से और अनूदित रूप से पहुंचाएंगे तो राष्ट्रहित का एक बड़ा कार्य होगा इसलिए उन्होंने नई और मौलिक धारणाओं की स्थापना की उन्होंने लिखा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है यदि कविता में चमत्कार नहीं कोई विलक्षणता नहीं तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती बहुत स्पष्ट है कि कवि का धर्म कवि का कर्म एक विलक्षण एक निराला एक अनूठा कर्म और धर्म होता है कवि वह कर सकता है जो कोई अन्य नहीं कर सकता तभी तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सब उथल पुथल हो जाए एक लहर एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए सब कुछ उथल पुथल हो जाए तो ये जो करण की वृत्तियों की अभिव्यक्ति है कविता यह बहुत सशक्त है इस तरह हम देख सकते हैं कि कविता के अर्थ को स्वरूप को किस तरह से व्यक्त कवियों ने किया समालोचकों ने किया बहुत विराट और विस्तृत विवेचना कविता के संदर्भ में युगों से बरसों से होती रही भरत मुनि से लेकर आज तक कविता के लक्षण और अर्थ और स्वरूप पर चर्चा निरंतर हो रही है हम अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को कविता ने न केवल उद्वेलित किया प्रेरित किया मार्ग प्रशस्त किया यही कारण है कि हम वैश्विक कविता दिवस का आयोजन 21 मार्च को करते हैं इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार